हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो, जहां हम आपको बताते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहली खबर है मधुर भंडारकर की, जिन्होंने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। मधुर जल्द ही कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन पर बेस्ड फिल्म बनाने वाले हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक मूवी का नाम होगा इंडिया लॉकडाउन। बताया जा रहा है कि इसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी। इससे पहले भी मधुर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म बना चुके हैं, जिसका नाम था इंदु सरकार। इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल की इस कहानी के लिए मधुर कई विवादों में घिरे थे। अगली खबर राम गोपाल वर्मा की है, जिन्होंने अपनी अगली फिल्म 12 o'clock अंदर का भूत के फर्स्ट पोस्टर को शेयर किया है। ये एक हॉरर फिल्म होगी जिसके लीड किरदार में होंगे मिथुन चक्रवर्ती। तनन आदर्श ने एक ट्वीट करके बात कही और ये जानकारी दी कि ये फिल्म 8 जनवरी 2021 को रिलीज होगी। फिल्म में मिथुन के साथ मकरंद देशपांडे, दिव्या जगदाले, मानव कौल, अली असगर, आशीष विद्यार्थी, दलीप ताहिल, फ्लोरा सैनी और कृष्णा गौतम भी नजर आएंगे। कंगना रनौत एक बार फिर से न्यूज में है। दरअसल बीते दिनों कंगना की एक फोटो को लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। इस फोटो में कंगना ने बिकनी पहनी हुई थी। कुछ लोगों ने कंगना को उनकी संस्कृति याद दिलाई तो कुछ लोगों ने कहा कि कंगना को ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कंगना भी भड़क गई और उन्होंने ट्रोल्स को जवाब दे डाला, मगर इसमें भी वो भाषा की मर्यादा भूल गई। ट्वीट करके कंगना ने लिखा, कुछ लोग मेरी बिकनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं। अगर कभी माँ भैरवी बाल खोल वस्त्रहीन खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? खुद को भक्त कहते हो, धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। जय श्री राम। बाद में कंगना को उनकी इस भाषा के लिए भी ट्रोल किया जाने लगा। अगली खबर सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, जिनकी अगली फिल्म मिशन मजनू का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हो गया है। मूवी में सिद्धार्थ के साथ साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में होंगी। मिशन मजनू के पोस्टर में सिद्धार्थ मल्होत्रा हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुश्मन की रेखाओं के पीछे हमारी खुफिया एजेंसी का किया गया सबसे घातक गुप्त ऑपरेशन। तरण आदर्श ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि यह फिल्म साल 1970 में हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। हालांकि ये फिल्म कब रिलीज होगी अभी इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि शाहिद कपूर अपनी फिल्म जर्सी की शूटिंग पूरी करने के बाद शशांक खेतान के डायरेक्शन में बन रही फिल्म योद्धा की शूटिंग शुरू करेंगे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जाएगा। मगर इसकी शूटिंग से पहले ही मेकर्स के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। शाहिद कपूर और योद्धा की टीम के बीच स्क्रिप्ट को लेकर कई तरह के मतभेद पैदा हो रहे थे, जिसके बाद शाहिद इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए। वैसे अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फिलहाल शाहिद कपूर अपनी डेब्यू वेब सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग गोवा में शुरू हो सकती है। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, मगर रिलीज से पहले ही मूवी मुसीबत में पड़ गई है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के एक सिनेमा घर में इसकी गलत तरीके से स्क्रीनिंग किए जाने की खबर है। भाजपा चित्रपट कामगार अघाड़ी के प्रेसिडेंट विजय सरोज ने बताया कि इस फिल्म की गलत तरीके से थिएटर रिलीज की तैयारी की जा रही है। विजय ने श्री साईं समर्थ टॉकीज मुसलगांव नासिक का एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में फिल्म के थिएटर शो के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि कुली नंबर 1 सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज होगी, तो ऐसे में इसे सिनेमाघरों में कैसे दिखाया जा सकता है? विजय ने पोस्ट में लिखा कि थिएटर में फिल्म को डाउनलोड करके दिखाया जा सकता है। मामले के सामने आते ही फिल्म ट्रेड यूनियन ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कर दी है। यूनियन ने कहा है कि ये कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन है। पहले मेकर्स इस फिल्म को सिंगल स्क्रीन के साथ Amazon प्राइम पर रिलीज करना चाहते थे। इस बारे में फिल्म के मेकर्स, OTT प्लेटफॉर्म, Amazon और चुनिंदा सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स के बीच बात भी हुई, लेकिन अंत में आकर Amazon प्राइम ने हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद इसकी थिएटर में रिलीज होने की संभावना भी खत्म हो गई। खैर, इस पर मेकर्स और अथॉरिटी क्या हल निकालती है इसका कोई पता नहीं चला। कुली नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये साल 1995 में आई गोविंदा और करिश्मा की मूवी कुली नंबर 1 का रीमेक है, जिसे डेविड धवन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। साल 2000 में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की फिल्म आई थी, नाम था हेरा फेरी। इस फिल्म में तीनों ही कैरेक्टर्स को इतना पसंद किया गया कि मेकर्स को साल 2006 में इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी बनाना पड़ा। इस फिल्म ने भी खूब सक्सेस बटोरी। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2015 में प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने इसके तीसरे पार्ट की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, मगर फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से इसे आधे ही रास्ते पर छोड़ना पड़ा।
अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने फिल्म को लेकर फिरोज नाडियाडवाला के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि ड्रीम गर्ल के निर्देशक राज शांडिल्या इस फिल्म का निर्देशन करें और दूसरी थी कि अक्षय को फिल्म में से 70% प्रॉफिट चाहिए था। फिरोज नाडियाडवाला ने दूसरी शर्त से इनकार कर दिया था। तभी से लेकर अब तक इस फिल्म पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी फिर से चर्चा में है। दरअसल फिल्म पर गंगूबाई के परिवार वालों ने आपत्ति जताते हुए बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में हुसैन जैदी, संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ 22 दिसंबर को मुकदमा दायर किया है। ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई की कहानी है, जिसमें आलिया भट्ट गंगूबाई के रोल में होंगी। गंगूबाई 60 के दशक में मुंबई माफिया में बड़ा नाम थी। बताया जाता है कि उनके पति ने महज 500 रुपए के लिए उन्हें बेच दिया था, जिसके बाद वो वैश्यवृत्ति की दुनिया में रम गईं। मूवी में अजय देवगन का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जो आलिया के मेंटर का रोल प्ले करेंगे। मलयालम फिल्म के फेमस डायरेक्टर नरनी पुजा शनवास का निधन हो गया। सूफियम सुजातम के डायरेक्टर के लिए एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने एक पोस्ट किया। नरनी पुजा की डेथ कब और कैसे हुई, इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं मिली है। अदिति ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, वो अपनी कहानियों की ही तरह अच्छे और सेंसिटिव थे। रेस्ट इन पीस शनवास सर। मैं आशा करती हूँ कि आपके सूफी सोल को खूबसूरत जगह मिले, जैसे आपने सूफियम सुजातम में हमारे लिए बनाई थी। बहुत जल्दी चले गए आप, मेरी प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। तापसी पन्नू की फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में तापसी एक ट्रैक एथलीट के रोल में दिखाई देंगी। तापसी ने शूटिंग शेड्यूल पूरा होने की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, और इसी के साथ रांची शेड्यूल खत्म, आखिरकार रेस से पीछा छूटा। इस बीच एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने उन असली एथलीट्स को सलाम ना किया हो जो ये रेस रोजाना करते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे ये सब असलियत में नहीं करना पड़ता। तापसी अक्सर अपने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं। आकर्ष खुराना के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में रिलीज हो सकती है। द सिनेमा शो में आज की बड़ी खबरें बस यहीं तक। चलते चलते विश करेंगे अनिल कपूर को, आज उनका बर्थडे होता है। अनिल कपूर ने अपनी दमदार फिल्मों से लोगों को फुल टू एंटरटेन किया। साथ ही याद करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब को, आज उनका भी जन्मदिन होता है। रफ़ी साहब भले ही आज हमारे बीच ना हो, मगर उनके गाए गाने अमर हैं। शो का अंत मोहम्मद रफ़ी के ही एक गीत से करेंगे, जिसे लिखा शैलेंद्र ने और डायरेक्ट किया सचिन देव बर्मन ने। फिल्म थी गाइड और वो गाना है, तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, जहां भी ले जाएं राहें हम संग हैं। वाह, तो सिनेमा शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।